गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाड़ी पे पूजा हो गई है, गाड़ी में मेरा सामान लोड है, बाकी जिस दूसरे बंदे को जाना है ना भाई, फोन ही नहीं उठा रहा। क्या लगता है, उठेगा नहीं उठेगा? दूसरे बंदे का नाम तो ले लो। दूसरे बंदे का नाम अज्जू है। पूरी रात ना ऐसे सोया नहीं होगा उसके सुबह। और ये गाड़ी जा रही है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ ही जा रही है। और जब विक्रम भाई जाते हैं ना चंडीगढ़, तो सबको पता है क्यों जाते हैं। तो आज कुछ अच्छा होने जा रहा है, पार्टी करवाने। हाँ, एक दुबई के शेख से डील हो रखी है हमारी। तो भाई अभी वेट करते हैं। एक्चुअली आज अपनी 700 की डिलीवरी है, बोले तो जो बायर है ना उनको ये 700 की चाबी हैंडओवर करनी है। वैसे तो सुबह उनको 5:30 आ जाना चाहिए था, लेकिन 5:41 हो चुका है। 15 मिनट हमारे पास नहीं, 15 मिनट पंद्रह मिनट हाँ पंद्रह हमारे पास चार है भाई, चार। भाई, हम निकल जाएंगे सदा के लिए। मत निकलना, मैं ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाना और अच्छे से काम कर लेना, फिर शाम में गुड न्यूज देना, ठीक है? जय माता दी, जय माता दी। चलो भाई, गाड़ी की चाबी तो मैंने हैंड ओवर कर दी, अब मेरे को भी निकलने का टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट 6 बज गए, ये गाड़ी जा रही है और अपनी गाड़ी तो ट्रिप पे जा रही है। चले शुरू करें फिर। वैसे तो अपना प्लान था कि अपन निकल जाएंगे रात में ही, बट क्योंकि सुबह 700 की डिलीवरी अपने को देनी थी, तो हमने सोचा कि भाई इसकी डिलीवरी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। चलो बाय बाय धन्नो, अब अपनी है नई ये धन्नो। भाई ट्रिप पे निकलने से पहले सबसे पहले हम लेते हैं गाड़ी में डीजल, और इसी चीज के लिए पेट्रोल पंप पे आए। भैया को कहा इस पे लबालब डीजल भर दो। भाई मैं सुबह से कम 200 कॉल मिला चुका हूँ अज्जू को, अब जाके थोड़ी देर पहले वो उठा है, तो अभी जाके उसको पिक करते हैं। मुझे पता है वेट करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि भाई अभी रेडी होगा और उसके बाद भाई निकलेगा, तो अपने को 10-15 मिनट तो यहाँ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक कॉफी उठा लेंगे, क्योंकि नहीं कॉफी, हाँ कॉफी इस रास्ते पे अपने को मिलेगा। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, रेडी हो? रेडी है। सनरूफ खोल रहे थे? इसमें सनरूफ नहीं है। अच्छा चलो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी पता नहीं कहाँ की जर्नी। डेस्टिनेशन फिलहाल डाला है, अभी बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं, बाकी यहाँ से निकलते हैं। बोलो श्री अम्बे मात की जय। आगे जी अपने एक्स ऑफिस पे, HDFC बैंक के यहीं पे बैठता था मैं, तो अपना वर्क स्टेशन यहीं पे था। अभी अज्जू भाई ATM जा रहे हैं, बाकी अपने तो थोड़ा सा कैश निकाल लेते, हल्का फुल्का कैश, और बाकी तो हर जगह कार्ड अपन यूज कर लेंगे। तो बहुत एक्साइटेड है यार, बहुत एक्साइटेड है। फर्स्ट इतनी लंबी ट्रिप होने वाली है इस गाड़ी के साथ, ऑलमोस्ट 4,500-5,000 किलोमीटर का प्लान है। प्लान अब कितना सक्सेसफुल हो पाता है ना वो देखते हैं। भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, सबसे पहले जा रहे हैं कॉफी उठाते हैं। हाँ अगर डायरेक्ट मुंबई का मन हुआ तो डायरेक्ट मुंबई मार देंगे ना। अरे यार मुंबई मार देंगे, नहीं मार देंगे। बाकी आज अपना ना डेस्टिनेशन लगा लिया, अब कहाँ जा रहे ना वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। देखो डेस्टिनेशन तो लगा लिया इसलिए ताकि थोड़ा, हाँ 11-12 घंटे तो उदयपुर जा रहे हैं, बेसिकली बता ही देते हैं उदयपुर जा रहे हैं। और अभी उदयपुर के लिए ना अपने को यूटर्न लेना पड़ेगा, बट आगे से एक कॉफी उठा लेते हैं और वहीं से NH पकड़ लेंगे सीधा सीधा हाईवे पे। अब नींद खुल गई ना? नींद खुल गई ना? चीयर्स। चलो भैया, अरे ये तो खुलेगा ही नहीं, नींद तो खुल गई, गेट कैसे खुलेगा? इसमें कॉफी रखने के लिए देखो यहाँ पे जगह मस्त आराम से, और एक तो कॉफी यहाँ पे, मैंने कहा दोनों कॉफी आ रहेगी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इधर मैंने AC ऑफ करके इधर ही रख दिया। अब सीधे NH8 पे चलते हैं। हाँ कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ठंडी हो जाएगी वहाँ पे। नहीं अरे बंद कर दिया ना AC वैन, कोई नहीं, कोल्ड को देख रहे हो सामने कितना भसड़ पड़ा है भाई, ये भसड़ खत्म नहीं होने वाला जयपुर तक। भसड़ ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं यार ये पता है क्या, सुबह सुबह इतने ट्रक्स नॉर्मली होते नहीं है, मुझे लगा था हम आराम आराम से निकल जाएंगे। वैसे अब सुबह हो भी नहीं रही है ना, 7:10 हो रहे हैं हमारे लिए तो सुबह ही है। भाई किसी तरह जाम को चीरते हुए हम सनसनी की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और फिलहाल अभी भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है लेकिन उतना नहीं है। लास्ट टाइम तो भाई पूरा नीमराणा ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, नीमराणा तक हमें इतना गंदा जैम मिला, इतना गंदा जैम कि सिटी में चला रहे कि हाईवे पे पता ही नहीं चला। बाकी एक बार जब जयपुर से आगे निकलेंगे ना अजमेर की तरफ, उसके बाद तो रोड से एक नंबर है। बट यहाँ पे बहुत जगह ना इंटरसेप्टर लगा दिए भाई, बाइक पे इंटरसेप्टर है। राजस्थान में जब आप जयपुर की तरफ जा रहे हो, जयपुर से एग्जिट कर रहे हो ना, बाइक पे इंटरसेप्टर लेके खड़े, तो वहां पे अपने को 80 पे क्रूज डालना पड़ेगा, या तो 500-1,000 रुपए का तो चलान पक्का है। ये देखो यहाँ पे इंटरसेप्टर खड़े है, ये भैया का चलान कटा है, बट अपन का स्पीड कंट्रोल में है तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ना बहुत सारे मिलेंगे, 80 का स्पीड लिमिट है इसीलिए 80 से कम चला रहे हैं।
बाकी कभी कट भी सकता है, देखो कट गया तो आपको थंबनेल में दिख जाएगा। बचपन में बहुत कटे हैं जवानी में। स्टॉप बाय राजस्थान पुलिस। अरे मैंने तो एक बार सुनो तो मैंने तो एक बार जैसलमेर से आते हुए 2000 रुपए का केला खाया है। अरे वो 2000 का चलान कटा तो भैया ने केला दिया था। केला लेते जा, 2000 रुपए का एक केला था वो। भाई हम आ गए केएफसी। भाई क्या खाओगे आज? भाई का बर्थडे, इन्होंने स्टोरी देख के ना पता नहीं कितने दूर से पकड़ लिया हमें कि आज यहाँ पे तो रुकेंगे, मतलब यहाँ से भी कॉफी उठा लेते हैं। और प्लस ना कॉफी का ना ये कैरेट केक ना बहुत ज़बरदस्त होता है यार, मैं जब भी आता हूँ ना तो एक तो उठा ही लेता हूँ। तो ये कैरेट केक भी उठा लेते हैं, दो पार्सल करा लेते हैं, बाकी आगे रास्ते में खाएंगे। ये इतना बड़ा इसलिए क्योंकि अपने को आगे तो मिलेगा नहीं, मैंने कहा बड़ा ही उठा लो, ये अपने पीते पीते चले जाएंगे। प्लस कैरेट केक भी पैक हो गया अपना। भाई तो फिलहाल यहाँ पे अज्जू भाई का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम्स अच्छे हैं, तो मैं भी वॉशरूम चला गया, भाई भी अभी वॉशरूम गया है। अब वॉशरूम से आते हैं फिर यहाँ से गाड़ी में सामान मतलब कॉफ़ी लोड करेंगे। टाइम फिलहाल हो रहा है 9:40, DPF रीजनरेशन इन प्रोसेस का नोटिफिकेशन आ रहा है देखो। और यहाँ से अपन सीधे अब रुकेंगे जयपुर के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली जयपुर यहाँ से होगा 120-130 किलोमीटर, तो जयपुर के बाद ही रुकेंगे। तो जयपुर से बार बार निकलेंगे ना हम? तो बाहर ही निकलेंगे, अजमेर हाईवे से पकड़ के निकलेंगे। हाँ अजमेर से सीधा टोंक, अजमेर से पता नहीं कहाँ पे, वो जीपीएस बता देगा। जीपीएस बता देगा। भाई पता नहीं क्या है आज इस ट्रैफिक, मतलब इस हाइवे पे ट्रैफिक इतना ज्यादा मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहा है। अभी फिलहाल 10:30 हो रहे हैं और अभी तक हम जयपुर भी नहीं पहुंचे, मतलब जयपुर से भी पहले ही है, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का एक ब्रेक लिया था। ऐसे करके ना बहुत जगह अपने को जाम मिल रहा है। भाई तो अपना लैपटॉप पे कुछ काम वाम कर रहे हैं, मैं अपना गाड़ी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में दोनों को नींद आने लगेगा, फिर हम गाड़ी लाके सो जाएंगे। भाई इस हाईवे पे ना बोलो जुबा केसरी के इतने एडवर्टाइजमेंट्स है ना कि हमें भी आदत पड़ी। हाँ बताओ, ये देखो। अब कोई भी मिलेगा ना रास्ते में, कोई भी सब्सक्राइबर बोलो जुबा केसरी। पीस 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 नहीं है, पीस ऐसे होता है, बोलो जुबा केसरी ऐसे। भाई तो 11:02 और अभी यहाँ पे रुके जयपुर क्रॉस करके। हाँ अभी ना सो के उठने का टाइम हमारा। हाँ सीरियसली ना, तभी नींद आ रही है अभी। अच्छा यार गर्मी लग रही है, काफी गर्मी। गाड़ी क्या मस्त परफॉर्म कर रही है ना। अभी अजमेर हाईवे ये है, इस रास्ते पे ना अभी आगे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, मतलब वैसे बड़े से ढाबे और वो नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, काफी देर से हम चल रहे थे। भाई तो मैं आ गया इस साइड, अब अज्जू भाई गाड़ी चलाएंगे। अब मैं एक्चुअली ना इतने सुबह सुबह उठता नहीं हूँ, नॉर्मली मैं सुबह सो नहीं जाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा थका थका सा फील हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कितना सुबह 6:30-5 तो मैं रेडी होके नीचे आ गया था, सारा पैक वैक कर रहा था, XUV700 की डिलीवरी दी, उसके बाद मान लो कि कल रात में 2 घंटे सोया था, तो मैंने कहा यार नींद में गाड़ी चलाने से कोई मतलब नहीं। और देखो अपने को कोई जल्दी नहीं है, हुआ तो यहाँ से मुंबई डायरेक्ट खींच देंगे, नहीं हुआ तो यहाँ से जयपुर ही रुक जाएंगे, मतलब कुछ पता नहीं है चल रहा exactly, चल रहा है ना। देखना पड़ता है भाई बीच बीच में, तो हैंग हो जाता है और वो जितना रिकॉर्ड किया ना सब इरेज हो जाता है। कितनी सारी ऐसी चीजें होती है ना जब आप एक बार रिकॉर्ड करते हो और दूसरी बार बोलने का मन ही नहीं करता, मन नहीं करता, फिर उसे लगता है फिर खत्म टाटा बाय बाय बाय। तो मैं कह रहा था कि भैया इसमें बेड हम पहली बार बना रहे हैं और ये देखो इसका लगेज स्पेस ना बहुत बड़ा है, तो मतलब रियर सीट निकालने की ना मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी तो कुछ है ही नहीं भाई, ये एक लेयर ऑफ लगेज है जो ये सामने इधर है। बाकी अज्जू भाई गाड़ी चला रहे हैं और अजमेर हाईवे पे स्पीड लिमिट रहती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो 80 से ऊपर नहीं चल रहे हैं, 80 पे क्रूज सेट कर दिया है भाई ने, 77 पे, इनफैक्ट 77 पे क्रूज सेट है, नीचे है ना, तीन नीचे है हाँ, ताकि चलान 3 किलोमीटर से बच जाए, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चलान हमारा बच जाए। तो चलो एक नींद मारने की कोशिश करते, देखते नींद आती है नहीं आती है, क्योंकि जर्नी आज काफी लंबी है और अभी तक पता नहीं है कि हम जा कर रहे हैं। 2 डेस्टिनेशन हमने उदयपुर का लगाया, लेकिन हम क्या उदयपुर पहुंच पाएंगे या उदयपुर से आगे निकल जाएंगे वो फिलहाल देखते। भाई मैं तो 15-20 मिनट सो के फिर वापस आगे मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नजारे, पहला दिन है ना तो पहला दिन एक्साइटमेंट ज्यादा रहा। भाई कैसा लगा गाड़ी चला के, मतलब नॉर्मल आप फॉर्च्यूनर इतने सालों से, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? एक तो भाई देखो इंजन नॉइज नहीं है, इंजन नॉइज नहीं, बहुत ज्यादा साइलेंट है, ऊपर से जो गाड़ी का चलाने का एक्सपीरियंस है ना ऑटोमेटिक का। हाँ पहली वाली में इतना नहीं था क्योंकि पहली वाली बहुत ज्यादा आवाज करती थी,
जो मेरे वाला मॉडल है ठीक है, इस वाले में रिफाइन कर दिया भाई, मजा आ रहा चला के, पता नहीं लग रहा 180 तो पता नहीं चला गाड़ी चल रही है। भाई पीछे वाली सीट ना उसमें ना एक छोटा सा हम्प है, ये वाला जो हम दिख रहा है ना जहाँ पे आपको चादर है बीच में। भाई बीच में बहुत तेज चुभ रहा था, मैं तो मतलब सोचे सोचे ना मैंने कहा अरे यार ये साइड में इधर कमर में चुभ रहा है, बट ठीक है दैट्स ओके। जो 500 में सोने का मजा था ना भाई वो अलग ही था, एक तो उसमें आफ्टर मार्केट सीट भी था ना, तो उसका ना जो कुशनिंग था ना बड़ा सही था भाई, बड़ा सही था भाई। बाकी ठीक है, मिला जुला के ठीक है यार, सो सकते हैं, देखो नींद आती है तो आदमी खड़ा भी सो जाता है। हाँ नींद चाहिए, सोने के लिए नींद चाहिए। हाँ और एक एक 15-20 मिनट का पावर नैप और आपकी आंखें प्रॉपर खुल जाती है। ये चीज तो है विकास भाई, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना आपको एक घंटे 15 मिनट का एक पावर नैप लगता है ना, उसमें आपको उल्टी वापस एनर्जी आ जाती है, ऐसे आपने पूरा ही 6-7 घंटे सो लिया। एग्जैक्टली देखो ना कितना ताबड़तोड़ बोल रहा हूँ, उसमें आंखें नहीं खुल रही थी। और भाई यहाँ पे ना ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो इसमें पानी का बॉटल अपन रख दिए, तो ये ठंडा रह रहा है, मतलब एकदम एक्चुअली पीने लायक है, पीने लायक है। हाँ वो भी नहीं है कि ज्यादा ठंडा है पर पीने लायक। एग्जैक्टली जो इतनी धूप है ना अभी 41 डिग्रीज दिखा रहा है इंफोटेनमेंट पे, तो वो 41 में तो पानी क्या ही होगा। देखो ये पीछे जो पानी का बॉटल अपन ने रखा है ना ये पूरा गर्म हो जाता है, तो इस एक बॉटल रख दो 15-20 मिनट में पीने लायक हो जाता है, मतलब प्रॉपर पीने लायक। ये देखो 14.6 का माइलेज दे रहा है, 14.6 का, मतलब मेरे आंख ना आंख से पानी आ गया भाई, इतना रो रहा है क्या इतना तेरे फूंक रहा है भाई साहब। 80 से ऊपर भाई, 80 पे 14.6 2.8 लीटर का इंजन, खतरनाक माइलेज भाई। अब मैं समझ गया मेरी को स्पीड लिमिट अपनी 80 रखनी पड़ेगी अगर माइलेज निकालना है तो। अब देखना इसी गाड़ी वो वाली बात है डेट टाइम। अरे 14.7 धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है भाई। मैं एक घंटे सोया क्या साला, 11 से सीधे 14.5 का माइलेज पा लिया भाई, बहुत सही है भाई। इसलिए अगर एक्सयूवी होती तो, अरे सुनो तो इसमें तो एक टंकी में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच जाएंगे इस सुबह से अपन ने 418 किलोमीटर कवर कर लिया, फिलहाल टाइम 2 बज रहे हैं। अब हम ये कंफ्यूज हैं कि यार हम उदयपुर में रुके, क्योंकि उदयपुर ना अभी फिलहाल 220 किलोमीटर दिखा रहा है, बट 220 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को बस 3 घंटे लगेंगे, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और मुंबई अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 820 किलोमीटर है, तो 800 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर देखो रात भर अगर हम थोड़ा आगे पीछे करके भी चलाए ना तो आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड्स हमने देखे हुए हैं, रोड्स बहुत अमेजिंग है। सूरत से जो ट्रैफिक मिलता है मुंबई का बस वही मिलेगा, अलावा उदयपुर से जब निकलेंगे ना टिल वडोदरा भाई रोड्स तो मक्खन है, स्टेट हाईवे 5 जहां गाड़ियों का टोल नहीं लगता और रोड्स एक नंबर है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या प्लान होता है, फिलहाल तो उदयपुर का ही डेस्टिनेशन डाला है। एक बार थोड़ी शाम होती है हल्का फुल्का कहीं रुकेंगे खाने के लिए बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। खाया क्या हमने, खाया हमने KFC खाया सुबह का। हाँ और 2 लीटर भर कॉफी पिया है। हाँ एक्चुअली 2 कॉफी दोनों लार्ज पिया ना हमने। हाईवे को छोड़ के हम इस पतले वाले रोड पे आ गए। अब उदयपुर से काफी पहले अपने को ना फिर आई थिंक 40-50 किलोमीटर पहले ना अपने को फिर डबल रोड मिल जाएंगे, और वहां से फिर डबल रोड कंटिन्यू होंगे टिल मुंबई। बट अभी फिलहाल ना काफी दूर तक अपने को ऐसे ही रोड मिलने वाले हैं। ओवरटेक करना यहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी की वैसे अच्छी खासी स्पीड मेंटेन्ड है, तो अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करके चल रहे, तो बाकी एवरेज थोड़ा कम आ गया है। यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर छाव में, गाड़ी को भी हल्का रेस्ट देते हैं और अपन भी स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर उदयपुर के बाद ही रुकेंगे कहीं ब्रेकफास्ट नहीं सॉरी लंच के लिए। फिलहाल टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा सुसु सुसु कर लेते हैं फिर आगे बैठेंगे। एक चीज जो इस गाड़ी में सही नहीं लगा वो है इसका हॉर्न, और अभी क्या हुआ ना 2 हॉर्न में से शायद 1 बंद हो गया है, तो अचानक से ही बजते बजते ही बंद हो गया।
अब सिर्फ एक है छोटा सा, ऐसा लग रहा है जैसे बाईसाइकिल का हॉर्न होता है ना, वैसा हॉर्न है। बाकी अज्जू भाई तो अभी आराम फरमा रहे हैं, सुबह से ड्राइव कर रहे थे, सुबह से जगे हुए थे। ड्राइव तो क्या मतलब, आराम से हम लोग बात बात कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि अगर बाई चांस हमें मुंबई जाना हुआ, जो कि हमने ऑलरेडी अपने जीपीएस पे लगा दिया है, तो अभी 907 किलोमीटर बाकी है मुंबई का डिस्टेंस, और 16 घंटे दिखा रहा है। मस्त हुई नींद? जहर ना भाई, इतनी गर्मी है ना। मैं बीच में ना एक ढाबा देखा, फिर मैं देखा ढाबा में तो एसी है ही नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे ढाबा वैसे मिलेंगे ही नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं बैठ सकते, यहाँ बैठेंगे ना तो पक्का सो जाएंगे, सो मतलब मर जाएंगे, इतना फुक जाएंगे। बस बहुत खराब हालत है भाई यार। ये चीज मुझे समझ में नहीं आता टोयोटा का, मतलब अज्जू भाई कह रहे हैं कि ये सब में बम्पर ना निकल जाता है। अब ये तो मुझे ना यहाँ से बम्पर ऐसा खुला खुला सा लग रहा है, और ये ना बार बार मैं अंदर करता हूँ, और ये बार बार जब भी मैं देखो, अभी अगली बार रुकेंगे ना दिखाएंगे, तो ये बम्पर निकला हुआ रहता है थोड़ा सा। इधर का ही निकलता है, सिर्फ इधर का निकलता है, निकलता है हर एक का। तो जी ड्राइवर का हो गया आदान प्रदान, और हमने डिसाइड किया कि हम उदयपुर ही रुकेंगे, बिकॉज यहाँ से उदयपुर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 138 किलोमीटर, ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे शाम में 6:30 बजे तक। फिर अपना एडिटिंग वेडिटिंग करके अपना आराम से जल्दी सो जाएंगे, और कल मुंबई के लिए जल्दी निकलेंगे। मतलब कितने बजे निकलते वो तो अभी पता नहीं, बट यार जल्दी निकलेंगे तो आराम से। उम्मीद और कोशिश पूरी यही रहेगी। बाकी रोड्स अच्छे हैं, मतलब गड्ढे वड्ढे नहीं है यहाँ पे। बस इस रोड पे ना एक प्रॉब्लम होता है कि मवेशिया मतलब गाय बकरी बैल ये सारे बहुत है, और सामने से अगर कोई गाड़ी आते हैं तो अचानक से रोड पे दौड़ जाते हैं, तो उसको थोड़ा बचा के चलना पड़ता है। बाकी धूप तो आप देखो यार, इतनी तेज धूप है, इतनी तेज वाला टेम्परेचर है भाई, एकदम गुड़गांव वाला टेम्परेचर, शायद उससे ज्यादा ही हो। ये देखो ताबड़ तोड़ यहाँ तो आगे सामने मौसम इतना मस्त हो गया ना, जबरदस्त बारिश भाई, क्या झन्नाटेदार ना अब फील आ रही है भाई, हवा बहुत तेज है। हाँ, और बारिश देखो क्या झन्नाटेदार हो रही है, फुल फोर्स में बारिश हो रही है। चीज के लिए निकले थे ना घर से कि भाई जैसे विंटर्स में ही निकलते कि स्नो कहाँ पड़ रहा होगा, वो बारिश का पड़े अभी न्यूयॉर्क के आसपास तो बड़े उम्र थे महंत पास भाई वो देख ऊपर पहाड़ पे स्नो पड़ रही है। अभी अभी खोजने निकले कि भाई बारिश कहाँ पड़ रही है, मतलब भाई धूप के लिए कभी नहीं निकलते, भाई धूप कहाँ पड़ रही है, धूप तो घर पे पड़ भाई। हम तो फर्जी में इतना खुश हो गए थे कि बारिश आई बारिश आई, शेर आया और तुरंत शेर भाग गया। तो अब ना वापस से धूप आ गई भाई, लेकिन ना अभी पता चला है कि पुणे और मुंबई में बारिश स्टार्ट हो गई है, और गोवा में ताबड़तोड़ दो दिन से बारिश हो रही है। तो अब देखते हैं पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो बारिश खोज ही लेंगे। अब इतनी दूर निकले हैं घर से, ऑलमोस्ट उदयपुर से 19 किलोमीटर पहले, मतलब बेसिकली जो अपना होटल का डेस्टिनेशन है ना वो 19 किलोमीटर में आ जाएगा, आधे घंटे लगने चाहिए, 6:20 पर हम वहां पे पहुंच जाएंगे। और देखो उदयपुर एंट्री और एग्जिट इतना खूबसूरत है ना भाई, उदयपुर सीरियसली और स्पेशली जब आप बरसात में आ रहे हो ना भाई, ये जगह सीरियसली जन्नत है जन्नत। तो फिलहाल तो रोड ऐसे ही रहेंगे, थोड़ी दूर के बाद हम सिटी एंटर हो जाएंगे, सिटी एंटर होने के बाद हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि आज है फ्राइडे, वीकेंड का टाइम, और लोग अपने ऑफिस से जल्दी निकलते हैं, घर में फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे तो गुजरात से काफी लोग आते हैं ना एंजॉय करने। भाई यहाँ पे पता है आपकी दुकान इतनी सारी है, इतनी सारी, जैसे पहले वो नहीं होता था एसटीडी बूथ, जब मोबाइल का इतना कल्चर नहीं था तो हर दो कदम पे एसटीडी बूथ, तो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको आपकी दुकान यहाँ पे दिखती है। गुजरात से बहुत भाई लोग आते हैं ना, तो माउंट आबू देखा आपने? अरे माउंट आबू, दमन, दीव, उदयपुर, अलग ही अड्डे। लास्ट टाइम मैं आया था मेन रोड, पता नहीं जीपीएस क्या लफड़ा है भाई इसको मेरे से ना, गूगल माता को ना, अरे बाइक वाले भैया आराम से भैया, खैच कहाँ रहे हैं? हाँ यार कितना तेज आ रहे हैं गली में ना, उनका गली है भाई, हम तो गलत घुस गए ना, हम वो गली बॉय है भाई, हम तो तुरंत दिखा देंगे। देखो भैया हम तो दीदी के हिसाब से आ रहे हैं, दीदी बोली इधर मुड़ जाओ, हमें तो नए हैं भाई, हमें तो पता नहीं है भाई। लेकिन सही में यार गूगल वालों को ना कुछ करना चाहिए, मतलब गूगल को मैप को लेके ना कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट गाड़ी का ना एक फीचर डालना चाहिए। आप गाड़ी से हो तो कौन सी गाड़ी से, अल्टो से या फॉर्च्यूनर, मतलब उस हिसाब से आप रास्ता बताओ ना भाई,
आप ऐसा मत बताया करो यार, आदमी फंस जाता है। यहाँ से डीजल लबालब कर ले बिफोर वी चेक इन टू आवर होटल। अब यहाँ पे 94.44 रुपीस लीटर है, क्योंकि कल अपना जो प्लान है ना, मतलब डीजल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, तो कल अपना जो प्लान है ना कि यहाँ से हाय सुखेर से फॉलो कर रहा हूँ सर आपको मैं। कहाँ से? सुखेर से। ये कहाँ पे है? ये यहीं पे आप आए ना इधर गोड़ा सर्कल से। अच्छा, मैंने गाड़ी देखी और मैं रुका। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है मुझे लेकिन। अरे क्या बात है, क्या बात है। 635 वाले। हाँ एग्जैक्टली 60 लीटर 10 का एवरेज आया। हाँ, 800 किलोमीटर एग्जैक्टली 850-850 किलोमीटर का रेंज। अगर नॉर्मल अज्जू भाई चलाएंगे तब थोड़ा ज्यादा आ सकता है। चलो भाई, अब गाड़ी तो सामान हमने उतार लिया यहाँ पे, ये अपना सामान रहा। अब गाड़ी यहाँ पे ना अंदर पार्क नहीं होती है, बाहर पार्क होती है इस होटल की, तो अंदर जगह नहीं है, तो अभी पार्क कर देंगे गाड़ी। मतलब अज्जू भाई गए पार्क करने, मैं तो इधर सामान के पास हूँ, सामान की रखवाली कर रहा हूँ। बाकी एक बार आते हैं फिर फॉर्मेलिटीज, चेक इन वाली फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं और ऊपर चलते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि बस बिस्तर मिल जाए और शावर मिल जाए, नहाएंगे। हाँ नहाएंगे अभी, फॉर्मेलिटी। दम मस्त मलंग, दम मस्त। आपकी दुकान इधर है, गेट 20% ऑफ। 20% ऑफ दे रहे हैं भाई, पहले हमें रूम में जाना है, 20% ऑफ बाद में देखेंगे। अजू भाई वरना हमारा परसेंटेज ऑफ हो जाएगा। हाँ क्या, वो नहीं खुल रहा है? खुल गया, लगा दो ना चाबी इधर। फाइनली रूम में आ गए भाई। पहले तो वॉशरूम जाऊंगा मैं, नहाऊंगा मस्त। हाँ अरे अज्जू भाई, यहाँ तो वर्क स्टेशन भी है अपना। हाँ बैठ के आराम से काम करेंगे इधर। लेट के करेंगे तो फिर लेट के करेंगे। चलो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। अभी फिलहाल एडिटिंग के लिए बैठ रहे हैं भाई, बहुत थक गए, सीरियसली बहुत थक गए। अब देखते हैं कल यहाँ से मुंबई कब निकलते हैं, जो होगा जैसा होगा। क्या करेंगे मुंबई जाके? हाँ राजस्थान वाले बहुत प्यार करते हैं, बट मुंबई तो जाना है ना अल्टीमेटली, तो आगे भी तो जाना। मुंबई वालों को प्यार करने वाला नहीं ना। हाँ सही बात है, सही बात है। तो चलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो गिव थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन पीस नहीं बोलना, पीस नहीं, पीस बोलो, बोलो जीवा चैतरी।